जय हिंद दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजी स्टडी पे। तो अभी हम बात करने वाले इंडियन नेवी MRSSR AA की नई भर्ती 2021 के बारे में। अभी बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। इस खुशखबरी को जानने के बाद आप लोग का दिल पक्का खुश हो जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोग को करना क्या है, एंड तक बने रहना है। पूरा चीज़ आप लोग को बारी बारी से बताएंगे कि वैकेंसी की जो डेट है वो क्या रहने वाली है, कौन कौन से बंदे इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, एग्जाम कब से होगा, फॉर्म कब से फिलअप होंगे, डेट ऑफ बर्थ क्या रखा गया है, मतलब A to Z जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, जो कि सारा डाउट आप लोग को इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाने वाले मेरे भाई। तो बस आप लोग वीडियो को इन तक वॉच करना और जो भी नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है ना। तो बस आप लोग को वीडियो को इन तक वॉच करना। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आप लोग को ले चलते हैं नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर और सारा चीज आप लोग को हम वहीं पर दिखाने वाले, ठीक ना। तो चलिए अब चलते हैं नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। फाइनली आप लोग देख रहे हैं, हम नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो हर काम देश के नाम, मतलब ये नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है। और आप लोग को मैं यहाँ पर दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देखना, यहाँ पर आप लोग जो वैकेंसी जो चेक करना होता है वो आप लोग को करेंट इवेंट के सेक्शन में आप लोग को देखने को मिल जाता है मेरे भाई। जब हम करेंट इवेंट के सेक्शन में जाते हैं मेरे भाई, तो आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग को यहाँ पर देखे दो यहाँ पर इवेंट आप लोग को देखने को मिलता है। एक तो एप्लीकेशन फॉर सेलर स्पॉट कोटा 1/2021 बैच की वैकेंसी है, ठीक ना। और दूसरा इवेंट इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरिट लिस्ट फॉर MR October 2020 बैच। मतलब कि यहां पर दो इवेंट है और यहां पर वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट यहां पर नहीं दिया गया मेरे भाई, ठीक ना। सबसे पहला बात आप लोगों को यहां पर देखिएगा, ठीक ना। बस आप लोग वेट कीजिए, अभी भाग्य का बात बिल्कुल भी, ठीक ना। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर क्या है, वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं दिया गया। अब देखिए, एक नंबर भी था जिस पर कॉल लगाना था तो 1800 419 2929, तो वो बंद कर दिया गया। एक और नंबर है जो कि बिल्कुल नहीं लगता है, मैंने ट्राई भी किया है, ठीक ना। अब देखिए कि ये ट्राई करने के बाद कोई भी मतलब जरिया नहीं है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, एक मेल है जिसके कारण क्या कर सकते हैं, उससे मैं क्या कर सकता हूँ, उनसे पूछ सकता हूँ। तो उसमें भी रिप्लाई क्या आता है मेरे भाई कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे बार बार विजिट करते रहें, वहीं देखें, वहीं पर आप लोगों को क्या होगा देखने को मिलेगा कि नेवी की वैकेंसी है वो कब तक देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो ये चीज़ आप लोग को देखने को मिलता है। तो आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट से अभी तक कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आप लोग को नेवी की वैकेंसी कब तक आने वाला है। लगभग कितने साल हो गए मेरे भाई, एक साल से भी ऊपर हो चुके हैं और अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई, जबकि हर 6 महीने में क्या होते थे, एक वैकेंसी आना है, एक जून जुलाई में, एक नवंबर दिसंबर के टाइम में, ठीक ना। तो दो वैकेंसी आने चाहिए लेकिन वो नहीं आया। 2020 पूरा कैंसिल हो चुका है, अब 2021 चल रहा है और फिर से अभी तक कोई रिगार्डिंग अपडेट नहीं आया। लेकिन भाई रुको, थोड़ा सब्र करो। एक दोस्त है मेरे नेवी में, ठीक ना, उनसे मैंने पूछा कि नेवी की वैकेंसी कब तक आएगा, ठीक ना। उन्होंने बताया कि इस माह के आप लोग को फोर्थ वीक मतलब मार्च के चौथे सप्ताह में आप लोग को नेवी की वैकेंसी देखने को मिलेगा, ठीक ना। वो उसके अंदर है, तो मैं उनसे पूछा हूँ तो बोला है कि मार्च के फोर्थ वीक तक आप लोग को देखने को मिलेगा। और ये जो है एक्सपेक्टेड डेट है, ये भी मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं भी किसी से पूछ के बता रहा हूँ। अब वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है ये नहीं, लेकिन जो भी वो बंदा बताया अभी तक वो सही गया है, तो हो सकता है कि फोर्थ वीक तक आप लोग को नेवी की वैकेंसी है वो देखने को मिल जाए मार्च के, ठीक ना। तो उतना दिन आप लोग वेट कर लिए तो आप इतना दिन और वेट कर लो। मैंने पूछा एज रिलैक्सेशन में छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो कहा कि नेवी वाले पे डिपेंड करता है, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। और डेट ऑफ बर्थ की बात यहाँ पर हम करें तो एक साल से ऊपर हो चुका है, तो डेट ऑफ बर्थ वो ऑफिसर लोग ही सेट करेंगे। जब एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो कुछ और डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा, अगर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है तो कुछ और डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा। तो ये डेट ऑफ बर्थ पर मैंने एक अलग सी वीडियो बना रखी है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। ऐसे अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक ना। लेकिन नेवी वालों को जितना जल्दी हो सके उनको क्या कर देनी चाहिए थी, नेवी की वैकेंसी दे देनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत सारे बंदे इसके ही कारण क्या हो रहे हैं, वेट कर रहे हैं इनके कि कब आएगी वैकेंसी और इन्हीं के प्रिपरेशन कर रहे हैं। और उनका भी जिद है कि हम नेवी के अंदर ही जाएं, और वो क्या कर रहे हैं, अभी भी तैयारी करना छोड़े नहीं और वो कंटिन्यूसली तैयारी कर रहे हैं। तो नेवी वालों को भी सोचना चाहिए और उनको वैकेंसी जल्द रिलीज कर देनी चाहिए, ठीक ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को फोर्थ वीक तक आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। देखो फोर्थ वीक में अगर आप लोग को वैकेंसी आते हैं मार्च में, तो अप्रैल तक आप लोग का क्या होगा, फॉर्म फिलअप हो जाएंगे, ठीक ना।
ठीक है ना। फॉर्म फिलअप के लिए आपको 5 से 6 दिन या 7 दिन तक लगभग मिलते हैं टाइम, ठीक ना। तो उतने दिन आप लोग को मिलेंगे टाइम, फॉर्म फिलअप हो जाएगा। फॉर्म फिलअप होने के बाद आप लोग को क्या होंगे, आप लोग को पढ़ने के लिए मात्र 2 से 2.5 महीना, 2 से 2.5 महीना का आप लोग का क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा मेरे भाई, ठीक ना। तो इसी में आप लोग का क्या होगा, तैयारी करना होगा नेवी का और या नेवी MR का, ठीक ना, और SSR AA का, ठीक। तो इसमें आप लोग को क्या करना होगा, इतने दिन में तैयारी करने होंगे। तो आप लोग अभी से क्या करो, प्रिपेयर करो अच्छे तरह से, जिससे कि क्या हो जाएगा, एक बार में क्लियर हो सके। हो सकता है तो इस बार क्या होगा, सीट में वृद्धि देखने को मिले। जैसे कि नेवी की जो वैकेंसी आती है कितनी आती है, 400 आती है। तो हो सकता है कि इस बार इसमें क्या कर दिए, पोस्ट बढ़ा दिया जाए, 500 कर दिया जाए, 600 कर दिया जाए या 800 ही कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए, लेकिन पोस्ट में ज़रूर वृद्धि आप लोग को देखने को मिल जाएगी, ठीक ना। यहाँ तक आप लोग सारा डाउट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। एक आती है सबसे ज़्यादा एज रिलैक्सेशन, वो वैकेंसी जब आ जाती है उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एज रिलैक्सेशन में छूट मिलता है या नहीं। नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को जितना हो सके हेल्प वो करवाएंगे एज रिलैक्सेशन में, आप लोग को ट्विटर पर कैंपेन चलवा के, ठीक ना। और मिल जाए तो सही है, नहीं मिले तो फिर हम लोग आप लोग को हेल्प करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, ठीक ना, जिससे कि आप लोग फॉर्म को क्या करें, आसानी से भर सके और आप लोग नेवी के एग्ज़ाम में बैठ सके, ठीक ना। तो आप लोग को जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे वैकेंसी के रिगार्डिंग। अब कोई भी कमेंट सेक्शन में जाके मत पूछना कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ इतना है, क्या मैं एलिजिबल हूँ अगले वैकेंसी के लिए, क्वेश्चन बिल्कुल मत करो भाई। मैं अगली वीडियो बना दूंगा, ठीक ना, उसमें आप लोग देख लेना कि आप लोग का डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाला है। या आप लोग मत बोलना कि फेक वीडियो है, फेक वीडियो लग रहा है तो आप लोग डिसलाइक मारो जितना हो सकता है, ठीक ना। आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट सेक्शन भी खाली रहेगा, जो कमेंट करना है वो कर सकते हो, ठीक ना। मैं अभी पूछ के ही बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि अभी 1 साल से ऊपर हो चुका है, अभी तक कोई मतलब अपडेट नेवी वाले खुद नहीं दे रहे हैं, तो उसके अंदर जो भी पता चल रहा है उसके अनुसार मैं आप लोग को बता रहा हूं। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग फालतू कमेंट बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक ना। और नेवी की अच्छी तैयारी करनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग जाके वहां पर चेक भी कर सकते हो, और अच्छा लगता है तो यहां पर कंटिन्यूसली प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि क्लास आप लोग को रेगुलर देखने को मिलेगा मेरे भाई, ठीक ना। यहां पर नेवी MR की फुल तैयारी कराई जाएगी, आधा से बेसी सिलेबस यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और कुछ और बचे हैं उसको मैं ख़त्म करवाऊंगा जल्द से जल्द, क्योंकि फिर मैं 6 महीने बाद ये चैनल पे नहीं रहने वाला हूँ, बिकॉज मेरा जो है वो क्या हो चुकी है, जॉब फाइनली अभी लगी नहीं है, मतलब समझ जाओ कि लग चुकी है आर्मी के अंदर, ठीक ना। तो आप लोग समझ लेना ये बात, ठीक ना, फिर क्योंकि 6 महीना के बाद चैनल बंद हो जाएगा, चैनल पे कुछ भी नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो अभी जितना हो सके आप लोग प्रिपेयर कर लो, बहुत सारे वीडियो कल से दूंगा, ठीक ना। तो आप लोगों को बस आप लोग करना क्या है, अच्छे तरह से तैयारी करना है, जिससे कि नेवी की एग्ज़ाम आप लोग क्लियर हो। बस जितना पढ़ा दूंगा बस उतना रट के जाना, एग्ज़ाम पक्का क्लियर होंगे। मैंने 2 बार नेवी MR के एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं मेरे भाई, ठीक ना। और जो पढ़ाऊँगा बस वो आप लोग को पक्का वही आएगा एग्जाम में, आप लोग देख लेना, ठीक ना। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, जो परेशान है कि वैकेंसी कब तक आएगी, मतलब इनसे रिलेटेड, ठीक ना, तो उनको जरूर इस वीडियो को शेयर करना। और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना, और लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, और सेकेंड चैनल का भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।